नोट करो, आप यंगस्टर्स का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। अब ये जो रिलीजियस कार्ड के ऊपर जो वोट बैंक बन रहा है ना, वो थोड़ा टाइम तक चलता है। जब यंगस्टर्स को पता चलेगा कि जॉब नहीं मिल रही है, रोड्स बेकार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बराबर नहीं है, तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिंधी, क्या गुजराती, क्या बंगाली, क्या मराठी, भाई हमको तो जॉब चाहिए, वी वॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी वॉन्ट गुड रोड्स, बराबर है। धीरे धीरे जब यंगस्टर्स का दिमाग खुलेगा, जब आप लोग और थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी ना, फिर ये पॉलिटिशियंस हैं ना, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। अभी मेन मुद्दा डेवलपमेंट का होना चाहिए। वी शुड स्टॉप प्लेइंग दिस कार्ड्स, वेदर एनी कास्ट। आपको क्या लगता है नेशन किसके साथ है, एनसीबी या आर्यन खान? आपको क्या लगता नेशन, है, आप किसके साथ हो? फिर मैं कौन होता हूँ किसके साथ होना। भी आप किसका सपोर्टर हो? भले वो आर्यन खान हो या कॉमन आदमी हो, लॉ तो सबके लिए लॉ होना चाहिए। अरे मैं टीवी पे नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। जब आप पुलिस में जाते हो तो एक कॉमन आदमी के लिए भी रूल सेम है। राजा का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, लॉ तो लॉ है, लेकिन किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। एक जस्ट बिकॉज गरीब बेचारा है जिसको नॉलेज नहीं है, डर रहा है, पुलिस उसको अंदर बिठा देगी। अभी आपको पता है कितने हज़ारों अंडर ट्रायल्स यानी कि उनके ऊपर केस ही चालू नहीं हुआ है, ऐसे ही सड़ रहे हैं जेल में बैठ के। अंडर ट्रायल्स आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, अंडर ट्रायल्स मतलब ऐसे ही जेल में सड़ रहे हैं, उनके ऊपर केस स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक। अंडर ट्रायल्स सालों साल तक केस चालू ही नहीं होता उनके ऊपर, ऐसे ही सजा भुगत रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए क्या हाल होगा। फिर जब वो कोर्ट में केस जाता है, जब जज को पता चल रहा है कि ये अंडर ट्रायल में कुछ मासूम है, ही इज़ नॉट अ गिल्टी पर्सन, तब पुलिस को और कानून को, मतलब उनको गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से डांटा जाता है कि आपने अंडर ट्रायल को इतने सालों तक जेल में रखा कैसे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 20 साल तक जेल में था, बहुत सारे हाँ लोग हैं। बहुत सारे लोग, बाद में रेप वो केस में किसी को पकड़ते हैं तो वो आदमी मर जाता है, केस स्टार्ट ही नहीं होता। इसके लिए रेप केस के लिए फास्ट ट्रैक बनाते हैं आजकल। तो ऐसे नॉट ओनली रेप केस, बहुत सारे अंडर ट्रायल्स में बेचारे जिनको नॉलेज नहीं है, जो पैसा नहीं है जिनके पास, सड़ते रहते हैं जेल में बेचारे, तो वो गलत है। राइट, एज अ कॉमन मैन, मैं एज अ कॉमन मैन की जैसे बात कर रहा हूँ, भले वो कितना भी सेलिब्रिटी हो, कभी कभी सेलिब्रिटी होने के नुकसान भी बहुत हो जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आर्यन खान अगर शाहरुख खान का बेटा नहीं होता तो इतना लाइमलाइट में होता ही नहीं। राइट, और हो सकता है उसको ऐसे हज़ारों केसेस पुलिस पकड़ती होगी, ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ती होगी अक्रॉस इंडिया। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट इन एनी पर्टिकुलर मुंबई या फिर महाराष्ट्र या गुजरात या गोवा या कहीं पे, ऐसे पर्टिकुलर स्टेट नहीं। ड्रग एडिक्ट्स तो आपको हर जगह हर स्टेट में मिलेंगे, पुलिस पकड़ती है, दो चार चमाट मार के वार्निंग दे के छोड़ भी देती है। सब ड्रग एडिक्ट्स को जेल में बंद करेंगे तो पहले से ही जेल्स ओवर क्राउडेड हैं, उनको दो चार चमाट मार के वार्निंग दे के ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फाइन मार के छोड़ देती है। और ये प्रैक्टिकल है। कितनी रेव पार्टीज, जिसको बोलते हैं हम रेव पार्टी बोलते हैं ना, यंगस्टर्स को पकड़ा जाता है तो उनके माँ बाप को बुलाया जाता है, उनको वार्निंग दी जाती है, उनको पेनल्टी दी जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है। अब रेव पार्टी में सब जगह सबको पकड़ के जेल में बंद करेंगे ना, तो जेल तो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, खचाखच भर्ती, मतलब इतनी जेल्स बनानी पड़ेगी उनको। ये है कि इसके लिए रूल्स ऐसे बने हैं कि उनको वार्निंग दो, पेनल्टी दो और छोड़ दो। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम ऑफेंडर, थर्ड टाइम ऑफेंडर, कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहा है, खुद के लिए ड्रग्स, तो 1 साल की सज़ा है मैक्सिमम। कमर्शियल यूज़ यानी बेचने का इंटेंशन है उसका, तो बहुत ज़्यादा सीरियस केस हो जाता है उसमें। तो मेरे हिसाब से कानून सबके लिए सेम है, ये ऑन कैमरा नहीं बोल रहा, होना भी चाहिए हंड्रेड परसेंट। एक देखिए, अगर आपको पीसफुल रहना है ना लाइफ में, तो फॉलो रूल्स। मैं हर इंटरव्यू में यही बोलता हूँ, फॉलो रूल्स, ट्रैफिक रूल्स एंड लॉ ऑफ लैंड। देखिए, पुलिस भी आपको ऐसे ही परेशान नहीं करेगी, उनके पास भी टाइम नहीं है। आपको परेशान करेगी मतलब एक नया केस बनाएगी, तो उनका बर्डन बढ़ा ना। और पुलिस वाले भी हाईली ट्रेंड पीपल है, ऐसे ही फालतू में किसी को नहीं पकड़ते हैं, तो उनके ऊपर भी तो केस हो सकता है ना कि आपने बिना वजह, देखिए आपको पुलिस पकड़ेगी तो आप केस तो करोगे, वकील तो डिफेंड में आपके बारे में बोले, जज बोलेगा क्यों पकड़ा भाई, कुछ सबूत ही नहीं है, तो पुलिस को भी डांट पड़ती है। तो पुलिस भी ऐसे थोड़ी ना कुछ ऐसे ही फालतू में पकड़ेगी। आप कानून तोड़ोगे तो
तो पुलिस पकड़ेगी, तो इससे अच्छा कानून फॉलो करो। हम पुलिस वाले से डरते क्यों हैं? या तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, या तो कार के पेपर्स नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, या तो मैंने सिग्नल तोड़ा है, या हेलमेट नहीं पहना है, सीट बेल्ट नहीं पहना, कार ड्राइव करते मोबाइल पे बात करूँगा, तो ये रूल्स तोड़ ही रहा हूँ ना। जब रूल्स तोड़ूंगा तो फाइन पे करूँगा, अगर रूल्स नहीं तोड़ूंगा तो फिर मैं क्यों डरूँ? दैट मीन्स आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ना, मैं रूल्स फॉलो करूँगा, बी हैप्पी, ऑलवेज फॉलो रूल्स, बात ही खत्म। कानून बना किस लिए? अच्छा, दूसरी बात इससे रिलेटेड मैं आपको बोल रहा हूँ, जब हम फॉरेन कंट्री घूम के आते हैं ना, हम बहुत तारीफ़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंगापुर घूम के आना, तो एक हफ्ते तक मैं सबको सिंगापुर की बातें ही बताऊँगा, बिकॉज वो हैंगओवर होता है मेरे दिमाग में। अरे यार, सिंगापुर में साफ़ सफाई थी क्या, रूल से एक थूक नहीं फेंक सकते आप, पान तो दूर की बात है। दुबई जाता हूँ तो दुबई में ट्रेन में अलाउड नहीं, यहाँ पे तो ट्रेन में वड़ा पाव क्या, तो हम खाना भी खाते हैं ट्रेन में, हमारा राइट, लंच भी खाते हैं ना ट्रेन में, हाँ, वड़ा पाव तो कॉमन चीज़ है। ओके, दुबई में आप एक हॉल्स तक नहीं खा सकते, दुबई की ट्रेन्स में, मेट्रो ट्रेन्स में आप पानी तक नहीं पी सकते, वहाँ पे स्टेशन पे आपको कोई वड़ा पाव या बर्गर वाला कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेन में अलाउड ही नहीं है। सेम इज द केस सिंगापुर एंड यूरोपियन कंट्रीज, हम जब वहाँ पे जाते हैं, घूम के आते हैं, तो हैंगओवर होता है, हम सबको पता थे क्या साफ सफाई थी, कितनी डिसेंसी थी, कितने रूल्स एंड रेगुलेशन थे, यहाँ पे खुद आके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़ाते हैं। एक एक इंसान जब खुद बोले कि मुझे कानून का पालन करना है, मुझे साफ सफाई का ख्याल रखना है, अब हर जगह पे म्यूनसिपैलिटी तो नहीं आएगी, हर जगह पे पुलिस वाला तो नहीं खड़ा है, तो खुद को भी तो सोचना है ना। आप रूल्स फॉलो करो, बी हैप्पी, इंडिया भी तो सिंगापुर बन सकता है ना, इंडिया भी तो शंघाई बन सकता है ना, कौन बनाएगा, सिर्फ सरकार थोड़ी बनाएगी, खुद को एक एक सी। मेरी एक कहावत है, प्ले योर रोल टू द फुलेस्ट, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आई रिपीट, प्ले योर रोल टू द फुलेस्ट एंड रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। हिंदी में आप अपना रोल प्ले करो, राइट? आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो ना, तो आपकी ड्यूटी है कि आपको अच्छी तरह से ईमानदारी से अपना काम करो, बिकॉज यू आर पेड फॉर दैट, राइट? 10 बजे रिपोर्ट करना है आपको ऑफिस में, शाम को 5, 6:30 जो भी आपका टाइमिंग है उसको फॉलो करो, आपके जो टेबल पे फाइल्स आते हैं उसको प्रोसेस करो एंड बी हैप्पी, बिकॉज यू आर बींग पेड फॉर दैट। आप गवर्नमेंट के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। तो प्यून से लेकर चेयरमैन तक सबके लिए सेम रूल है, प्ले योर रोल टू द फुलेस्ट एंड रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। प्यून से लेकर चेयरमैन तक सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे ना, तो इंडिया विल बिकम इन टक्कर विद यूरोपियन कंट्रीज। बट अनफॉर्चुनेटली हम खुद ही काम चोरी करते हैं, करप्शन को हम खुद ही बढ़ावा देते हैं, फिर सामने वाले को इल्ज़ाम देते हैं, तो हमारे में भी तो कुछ कमियाँ हैं ना। So here we sign off. हमारे questions अभी खत्म हो गए। Thank you very much. Thanks a lot. अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी अच्छा लगा। कुछ आप लोगों से भी सीखने को मिलता है ना मुझे।